गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के दो क्लासेस कर लिए हैं और आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन तो अब तक समझ ही लिया होगा कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी नंबर में से जब हम किसी दूसरे नंबर को कम करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। आपके पास 10 टॉफीज थी, आपने 6 किसी को दे दिया, तो 6 देने का मतलब क्या हुआ? आपने 10 में से 6 को कम किया, तो कितना बचा वो हम लोग सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.9 में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो आई होप कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा और एक्सरसाइज 3.9 आपसे हो गया होगा। जो एक्सरसाइज 3.10 है उसके दो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं आप लोगों को सिर्फ दो ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3.10 एक्सरसाइज में क्या है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं। किसके? सब्ट्रैक्शन के। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.10, ये एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और आपको समझना होता है। इन एनी वर्ड प्रॉब्लम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और व्हाटएवर यू हैव टू डू। You understand the question first and then you decide what you have to do. पहले आप समझते हैं और फिर आप decide करते हैं कि what कि आपको क्या करना है। So very very important thing in doing any word problem is understanding the question. Understand नहीं करोगे ना question को तो आपसे कोई word problem कभी solve नहीं होगी। Okay? So let's look at this word problem. Question number one. So the question number one says, A fruit seller had 426 apples. एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 426 एप्पल है। He sold 223 of them. उसने 223 apples को सेल कर दिया, बेच दिया। How many apples are left? Now, अब आप ये सोचो कि ये तो exactly वही वाली बात हो गई ना कि 10 टॉफीज थे आपके पास, 6 आपने किसी को दे दिए, तो कितने बचे ना? Exactly this question is also saying this. के फ्रूट सेलर के पास 426 एप्पल्स थे, उसने 223 बेच दिए, तो कितने बचे? सो व्हाट, हाउ विल यू फाइंड दैट? बाय सब्ट्रैक्टिंग। सो आंसर आपको क्या करना है इसमें? सिंपल, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एप्पल्स लेफ्ट इज इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, 426 में से आपको 223 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप देखो, सब्ट्रैक्ट करना तो आपको अब तक सीख ही गए होगे। तो 6 है, ये 3 है, तो अब आप काउंट कर सकते हो 6 तक, तो काउंट कर लो, 4 5 6, कितने आए फिंगर? 3 फिंगर्स आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आप लोग काउंट जो है वो अपने फिंगर्स पे कर रहे होंगे, तो 3 फिंगर्स आए, तो 3। 2 और 2, जब भी सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। इसको आप लोग इस तरह से समझ लो, आपके पास 2 टॉफीज थी, किसी ने दोनों की दोनों ले ली, तो कितने बचे? 0 बचे। आपके पास 10 थी, किसी ने 10 की 10 ले ली, तो कितने बचे? 0 बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 0। और यहाँ पे क्या होगा? 2 के बाद आप काउंट करो 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 203। तो हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद फूड सेलर? 203। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम था, तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी आपको वर्ड में ही देना होता है। तो अब आप आखिर में लिखोगे यहाँ पे, अब आप आखिर में लिखोगे कि फ्रूट सेलर इज लेफ्ट विद 203 एप्पल्स। तो फ्रूट सेलर इज लेफ्ट विद How many apples? 203 apples. Second question. Now, let us look at second question. Now, what is second question saying? The cost of a trouser. Trouser is the pant. जो pant आप लोग पहनते हैं, जो boys pant पहनते हैं, और girls भी pant पहनते होंगे, उसको trouser बोलते हैं. The cost of a trouser is ₹845. कोई एक ट्राउजर है, आप लोग जाते होंगे मार्केट से खरीदने, तो आपको मिलता होगा कितने पैसे का, तो उसका कॉस्ट है 845।
ड्यूरिंग द सेल इट वॉज सोल्ड एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ ₹685। यू नो दिवाली आती है, होली आती है, कोई फेस्टिवल आता है तो सेल होती है ना, किसी भी चीज़ की सेल होती है तो वो कम प्राइस में होता है। तो उस पर लिखा है कि ट्राउजर का प्राइस 845 था और उसको स्पेशल प्राइस पे सेल किया गया 685। नाउ व्हाट यू हैव टू टेल इज दैट हाउ मच लेस देन इट्स कॉस्ट वाज द ट्राउजर सोल्ड। सो व्हाट विल यू डू टू फाइंड दिस, यू विल सबट्रैक्ट। सो यहाँ पे व्हाट विल यू डू इज यू विल राइट कि कॉस्ट कितना था 845। क्या था कॉस्ट, ये क्या था कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, ठीक है, और 685 क्या था ट्राउजर सोल्ड एट दिस प्राइस। ये लिखना नहीं आपको इतना, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, मैंने भी बताया सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा तो 0 बचेगा। अब ये 4 है और ये 8 है, तो 4 छोटा है तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, तो 8 से 4 ने कैरी ले लिया है तो 4 बन गया 14। अब आपको 8 से काउंट करना है कहाँ तक, 14 तक, तो काउंट कर लो 9 10 11 12 13 14, कितने फिंगर्स आए 6, तो आंसर कितना आएगा 6। अब ये ध्यान में रखना कि ये 8 नहीं है, इसने एक कैरी ओवर दे दिया है इसको, तो ये बचा है 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो अभी आपको क्या करना है ना कि इतना तो नहीं लिखना है, ये सब जो मैंने लिखा है ना ये सब तो आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपको लास्ट में जरूर लिखना है, आपको लास्ट में जरूर लिखना है कि द ट्राउजर वॉज सोल्ड एट ₹160 लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस से 160 लेस पे जो है वो बेचा गया है, ठीक है। तो बस पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करना है। आई हैव डन 2 क्वेश्चंस, रेस्ट 3 क्वेश्चंस यू विल डू ऑन योर ओन, यू विल अंडरस्टैंड इट फर्स्ट what the question is saying and then you will subtract, because we are doing subtraction right now, and in the end try to answer the question in word, okay, because the question is also a word problem, so the answer should also be in word problem. This will also improve your English writing, okay. So thank you very much.